सबको जय यीशु की। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएं। तो आइए बड़े विश्वास के साथ आज हम प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। जब हम प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के शब्द के साथ, प्रभु की वाणी के साथ जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में एक महान चिन्ह और चमत्कार करते हैं। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4:20, पुत्रों मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूट करता है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें जानने की आवश्यकता है कि जब हम जीवन के स्रोत उस परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार करते हैं। और वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 10:44, पेत्रुस बोल ही रहा था कि सभी सुनने वालों पर प्रभु का आत्मा छा गया। आज वचन की गंभीरता हम जाने, ईश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने शब्द मात्र से पृथ्वी बनाई। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कई बार कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम वचन को सुन सकते हैं और वचन को ग्रहण कर सकते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही हमें चंगाई मिलेगी। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ प्रभु के सामने खोलें ईमानदारी के साथ, पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में बुलाएं। इस समय पवित्र आत्मा का आवागमन हम अपने जीवन में मांगे हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। बड़े भक्ति से ईमानदारी के साथ पवित्र आत्मा को बुलाएं ताकि हम वचन के द्वारा, वचन के साथ प्रभु की स्तुति कर सकें क्योंकि ईश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। पावनात्मा तुआ, हे पावनात्मा तुआ।
प्रभु, प्रभु मैं निस्साय हूँ प्रभु, प्रभु जी मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, प्रभु जी मुझे समझदार बनाइए। वचन कहता है याकूब का पत्र अध्याय 1:5, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वे ईश्वर से प्रार्थना करें, उसे ईश्वर प्रज्ञा देंगे, क्योंकि ईश्वर भोले हाथ और खुशी से सबको प्रदान करते हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रज्ञा और ज्ञान मांगने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, मन में दीप जला, ज्ञान की ज्योति जला, मन में दीप जला, yes, Lord, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता हे पावना पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान दे जीवन दे, जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, आइए पावनात्मा मुझे वरदान, बुलाएं पावनात्मा को, जीवन देने हे पावनात्मा, आइए पावनात्मा, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, yes Lord, पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया।
yes, Lord. शांति की आत्मा तू आ, प्रेम की आत्मा तू आ, जी हाँ प्रभु, शांति की आत्मा तू आ, प्रज्ञा की आत्मा तू आ, हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे सभी दोनों हाथों को उठाते हुए, हालेलुया 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 Hallelujah, 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 शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही प्रभु यीशु। प्रभु ने कहा, जब समुद्र में तूफान आ रहा था, नाव पानी से भरी जा रही थी, प्रभु सो रहे थे, शिष्य ने जगाया, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने कहा, शांत हो जा, थम जा। जानते हैं, पूरा समुद्र में पूर्ण शांति छा गई। विश्वास के साथ उन वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। भाई और बहनों, प्रभु आज हमसे एक बात कहते हैं। इस समय सभी अपनी आंखें खोलें और एक क्षण हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे। वचन कहता है, प्रभु ने एजेकेल से कहा, एजेकेल, एजेकेल का ग्रंथ अध्याय 3 में वाक्य 1 से, एजेकेल ये पुस्तक लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे खा लो, इससे अपना पेट भर लो, ये तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाएगी। एजेकेल ने अपना मुंह खोला और इस पुस्तक को खाया, और वचन में लिखा है एजेकेल ने किया, वहां पर एजेकेल ने उस पुस्तक को खाया, उससे अपना पेट भर लिया, और वहां पर लिखा है कि मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु से भी ज्यादा मीठा है। वचन का स्वाद मधु से भी ज्यादा मीठा है, इसलिए हमें वचन को खाना है, प्रभु के वचन को खाना है। ऐसे नहीं कि बाइबल का पेज फाड़ा और खा लिया, ये नहीं, बल्कि वचन को अपने जीवन में पढ़ना है, समझना है, उतारना है। प्रभु ने यर्मिया से कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख दूंगा, तुम जाकर उसे सुना देना। और यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई, मैं उसे तुरंत निगल गया, मेरे मुख में वे उल्लास और आनंद का विषय बनी। जब हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो प्रभु की एक अनोखी कृपा, एक अनोखी आशीष हमारे जीवन में प्रवेश करती है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10, मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तक ली, उसे खाया, मेरे मुख में उसका स्वाद मधु से भी ज्यादा मीठा था, किंतु जब मैं खा चुका था तो मेरा पेट कड़वा हो गया। कारण क्या है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? कई बार हम वचन पर चलते नहीं हैं, वचन को जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो इसलिए
वचन तो मीठा लगता है कि पेट में जाने पर वो कड़वा हो जाता है। जिस प्रकार एक कटोरी में साफ खीर है, अच्छी खीर है, यदि हमारा चम्मच गंदा है, अगर हम उस गंदे चम्मच से खीर खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी या हमें दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार यदि हम ईश्वर के वचन पर चलते नहीं हैं, पढ़ते हैं किंतु चलते नहीं हैं वचन पर, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वचन तो मीठा लगेगा मुंह में लेकिन पेट में जाने पर कड़वा हो जाएगा। इसलिए हमें वचन पर विश्वास करना है। जकरियस ने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास नहीं किया, वो गूंगा हो गया। हमें वचन पर विश्वास करना है। लोट की पत्नी जिसने वचन पर विश्वास नहीं किया, ईश्वर ने कहा था तुम पीछे मुड़ के मत देखना, उसने पीछे मुड़कर देख लिया, वो नमक का खंभा बन गई। भाई और बहनों, जानने की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े के समान है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, जैसे अग्नि एक आग पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पर मंडराई थी, वो आग वचन के रूप में हमारे जीवन में मंडराए। आग एक नयापन लाती है, जीवन को बदलती है, एक साफ करती है। उसी प्रकार ईश्वर का वचन हमें साफ करता है, नया बनाता है। हथौड़ा चट्टान के टुकड़े टुकड़े करता है, नष्ट करता है। ईश्वर का वचन हमारे बंधनों को, हमारे रोगों को, हमारी बीमारी को नष्ट करता है। वचन में लिखा हुआ है ईसा ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर के वचन पर विश्वास करना है। वचन कहता है मां मरियम ने स्वर्गदूत की बातों को अपने मन में संचित रखा, विश्वास किया और उन्हें विश्वास का प्रतिफल मिला। कई बार हमारे जीवन में आशीष इसलिए नहीं आती है, हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 119 वाक्य संख्या 105, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। हम कितने भी पाप में जीवन क्यों ना जीते हों, कितना भी गलत जीवन क्यों ना जीते हों, यदि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, वचन पर विश्वास करते हुए क्षमा मांगेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पहली सुसमाचार की घोषणा में एक शब्द कही, संत मार्कुस अध्याय 1:15, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। हमें सुसमाचार में विश्वास करना है, वचन में विश्वास करना है। जब हम वचन में विश्वास करेंगे, परमेश्वर की एक अनोखी कृपा हमारे जीवन में आएगी। हमें वचन में विश्वास करना है। भाई और बहनों, शतपति ने वचन में विश्वास किया। शतपति ने कहा प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप एक ही शब्द कह दीजिए, एक ही वचन कह दीजिए, यहां से ही आप एक वचन कहिए और घर पे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा इज़राइल में भी मैंने इतना बड़ा विश्वास कहीं नहीं पाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को अपने जीवन में उतारना है, वचन को खाना है, वचन पर चलना है, वचन को पढ़ना है। जब हम अपने जीवन में वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को चलेंगे तो हमारे जीवन में महान चमत्कार होगा। वचन पर विश्वास करना है। कैसे? रोमियो के नाम
अध्याय 10 वाक्य 17, ईश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो आइए इस समय हम आंखों को बंद करें विश्वास के साथ, वचन पर विश्वास करते हुए। इस समय हम वचन की शिक्षा में विश्वास करते हुए प्रार्थना में समय बिताएंगे इस भजन के माध्यम से। प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। यदि हम प्रभु के वचन की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के वचन पर चलना है। तो आइए हम प्रार्थना में समय बिताएं। याद करे क्या है इंसान जो तू
से प्यार करे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूँ, उसके चरणों में सजदा करूँ, वो ही तो है मेरा खुदा, वो ही है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूँ, यस लॉर्ड, वो ही तो है मेरा खुदा, कहते हैं। वचन में लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। हम अपने आप को प्रभु के अधिकार में दें, वो प्रभु चाहते हैं कि हमें से हर एक प्रभु की वचन की शिक्षा को प्राप्त करें। वचन कहता है, मैंने जो शिक्षा तुम लोगों को दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तो आइए हम प्रभु का विशेष अधिकार अपने जीवन में मांगते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तू है पवित्र यहोवा यशदा, तू है शालो यहोवा अदुना, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आधी थम जाए, तू है पवित्र यहोवा यशदा, तू है शालो यहोवा अदुना, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आधी थम जाए, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूँ, वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूँ, वो ही तो है मेरा खुदा।
का स्पर्श मिले, एक एक भाई बहन प्रभु आपके वचन से भर जाए, आपकी वचन की कृपा, वचन की शक्ति एक एक भाई बहन के जीवन में मिले इसी समय। प्रभु यीशु मसीह के वचन का सामर्थ के द्वारा एक एक व्यक्ति चंगा हो जाए, विभिन्न बीमारियों से मुक्त हो जाए, पापों से मुक्त हो जाए। प्रभु आपका विशेष सामर्थ एक एक भाई बहन पर उतरे, ऐसी कृपा आप हमें प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जय यीशु।